तो आ गए वीडियो देखने। अरे आ गए तो मत जाओ यार, प्लीज़ देख लो, गरीब का भला हो जाएगा। तो आज हम खेल रहे हैं FS22 यानी कि फार्मिंग सिम्युलेटर 22। तो ये मेरा जो है ना फार्मिंग FS का पहला वीडियो है, ठीक है। तो आज हम पूरी सीरीज ही स्टार्ट कर रहे हैं फार्मिंग सिम्युलेटर की। तो ठीक है, आज से हम इसकी गेम प्ले डालेंगे और पूरी सीरीज को कंप्लीट करेंगे पूरी। और ऑप्शन दिखा दे रहे हैं, मैं खेल रहा हूँ भाई वेरी हाई सेटिंग्स पे, देख रहे हो कितनी वेरी हाई सेटिंग्स है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, करियर में जाएंगे। अच्छा गेम्स हैं यहाँ पे 20, तो 20 लूट दिए गए हैं, हम तो भाई एक ही खेलेंगे कंटिन्यू। और फिर यहाँ पे दे रखे हैं ईजी, मीडियम, हार्ड। तो हम तो मैं सोच रहा हूँ ईजी करूँ। ईजी से मतलब न्यू फार्मर, ये मतलब फार्मिंग की फील देता है, और तो सब ठेकेदारी वाली फील देते हैं। तो ठीक है, तो मैं तो जो है यही कंटिन्यू करने वाला हूँ, क्योंकि और समय तक ऐसा लगता है जैसे कि हम ठेकेदारी ले रहे हो, मतलब कि कॉन्ट्रैक्टर हो, लेकिन हमें तो फार्मिंग करनी है ना, हमने छोटा खुद का फार्म चलाना है। तो हम यहाँ पे जो है न्यू फार्मर ही करेंगे, तो पर डिफिकल्टी बढ़ा देंगे ये। तो यहाँ पर तीन मैप है, एल्म क्रीक, होल्ट, बेलियन और एलिग्रेंट। एलिग्रेंट तो पहले भी था ना FS19 में। हाँ, तो अभी हम खेलेंगे यहाँ पर एल्म क्रीक जो भी है, ये कंटिन्यू कर देंगे। और ये तीन DLC और मोड्स, समय के साथ हम और भी मोड्स जोड़ लेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। तो गेम जो है हमारा हो चुका है पूरा लोड, और अब करते हैं स्टार्ट और कदम रखते हैं गेम के अंदर। तो ये है एल्म क्रीक वगैरह का मैप, तो आप स्टार्ट करते हैं फिर। ओ करेक्टर क्रिएशन, तो करेक्टर कौन सा लें? ये नहीं, ये नहीं, लड़की भी है। अरे हाँ लड़की भी है, लड़की भी है, हम लड़की लेंगे, क्यों हमारी छोरी है, छोरों से कम है के, तो हम लड़कियाँ लेंगे। और ये नहीं, ये नहीं, ये जो सबसे ऊपर है ना, ये नहीं, हाँ ये वाली ये लेंगे। और इसको जो है फटाफट से जैसा कस्टमाइज करते हैं, हेयर वेयर लगा के, मतलब समझ रहे हो ना, सारे हर तरीके की चीज़। एंड पहले उसके हेयर लगाने पड़ेंगे, यही सही है मॉडल। तो और नेम चेंज करेंगे पहले, हाँ ये बहुत ज़रूरी, नेम लिखेंगे साल्ट गेमर। तो साल्ट गेमर हमारा नाम है, और चैन मतलब मेरा गेमर टैग है साल्ट गेमर। सो यस। तो अभी बाल कौन से लगाएं? ये नहीं, बाल भी अच्छे और लगाएंगे भाई, लगना चाहिए कि फार्मर है, ऐसे थोड़े कि कोई भी आके मुँह उठा गया। ये भी अच्छे लग रहे हैं, ये भी अच्छे, यानी बेकार, ये तो बेकार है, ये तो बहुत ज़्यादा बेकार है। और तो फटाफट से जो है इसको कस्टमाइज करते हैं यहाँ पर जितनी फुर्ती से हम कर सकें। एंड ये नहीं है, कपड़े भी ये नहीं, कपड़े हाँ ये अच्छे लग रहे हैं, चश्मा वाले। एंड अभी ये इसको बदलेंगे, हाँ ये अच्छी लग रही है, और ये पैंट भी दूसरी बदलेंगे, और जूते तो कोई से भी ले लो, और टोपी भी नहीं लगाएंगे, टोपी लगा लेते हैं चलो, हाथ में ग्लव्स भी चाहिए भाई, और चश्मा तो चाहिए भाई, बिना चश्मे के तो क्या ही होगा। सो यस कन्फर्म। तो आ चुके हैं हम अपने गेम के अंदर। तो ये क्या है भाई? तो ये है यहाँ पे, अच्छा ट्यूटोरियल नहीं भाई, हमको आता है खेलना। तो ये है हमारा मैप, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है मेरा FS, ये हमारा घर लगता है मुझको शायद। अभी स्लीप तो नहीं कर पाएंगे। वाह क्या ग्राफिक्स है, एक बार स्काई की तरफ देखो, पेड़ भाई, सूरज, धूप, और टेक्सचर देखो भाई जमीन का, कितना मस्त लग रहा है भाई ये गेम, क्या कहने भाई, एक नंबर। वाह वाह वाह, अच्छा हमारी कार है ये रेड वाली, नहीं हाँ तो ये हमारी रेड वाली कार है। और चाहिए हेडर का, ये हमारा साइलोज है भाई। लोकेशन तो बड़ी अच्छी बनाई है डेवलपर्स ने, जो गेम जिसने बनाया है। अबे हार्वेस्टर में नहीं बैठना, अभी रुक जा थोड़ा, मैप अपना फार्म तो घूमने दे एटलीस्ट। अच्छा ये है पूरा मैप, वो बाओ काफ़ी बड़ा है भाई FS19 के कंपेरिजन में, तो बहुत ज़्यादा बड़ा है ये मैप। अच्छा ये हमारा फार्म है नहर के पास छोटी सी, एंड ये सब सेटिंग्स वगैरह हैं गेम की, ये भी सही है। ये वेदर भी दिखा रहा है, और यहाँ पे एक वो भी तो होता ना सीजन्स, रुक जाओ एक मिनट, यहाँ पे जो सीजन्स की जो लेंथ है ना वो 15 दिन कर लो यार, क्योंकि एटलीस्ट 15 दिन तो होनी ही चाहिए ना, 15 दिन तो होनी चाहिए। 2x करके इसको जो है यहाँ पर 15 दिन कर लेता हूँ मैं। सीजन सीजन ग्लो चाहिए भाई, एकदम रियलिस्टिक खेलेंगे हम, पूरा रियलिस्टिक खेलेंगे बिल्कुल। एंड इसको 15 दिन कर लेते हैं, ये भी सही है, और तो कुछ ज़रूरत है नहीं छेड़खानी करने की। एंड और ये जो सबसे नीचे है इसको जो है यहाँ पर इसको ऑफ कर देंगे। और ये जो AI वर्कर है भाई, ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप में से कोई खेलता है ना तो इसको ऑफ कर दो, क्योंकि नहीं तो ये आपके पैसे खाएंगे फिर, जो ये हेल्पर लगते हैं ना H दबा के ये वाले, तो ये आपकी मनी खाएंगे। इसको इससे अच्छा है बचने के लिए, इनको सबको ऑफ कर देता हूँ मैं, तो सबको ऑफ 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 ऑफ। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, देख रहे हो तो आप, और मेरी फर्स्ट वीडियो है सीरीज की, ये वादा है इस बार पूरा कंप्लीट करूंगा इस सीरीज को, तो प्लीज़ सपोर्ट दिखा देना। पहली वीडियो है, स्टार्टिंग है, थोड़ी बहुत गलती हो तो माफ़ कर देना। तो अभी लगाते हैं यहाँ पर ना हार्वेस्टर, खींचा क्यू से अटैच होगा चलो, एंड वी दबा के नीचे होगा आई थिंक सो, हाँ वी से नीचे होगा, एंड बी से फिर चालू होगा, तो वी से नीचे और बी से चालू कर देंगे हम इसको। एंड हाँ ये चालू हो गया, वी से बी से, सॉरी एक्स से पहले अनफोल्ड करना पड़ेगा ना, तो फिर उसमें स्टोरेज कैसे होगा ना जी, क्या ना जी है ना शायद। हाँ तो ये चल दिया है, इसको जो है ना अब हम हेल्पर पे लगा देंगे, क्योंकि हम दूसरा काम करेंगे अभी, ये छोटी है ना काफ़ी, हार्वेस्टर कवर है, कोई ना पैसे कमा के बड़ी ले लेंगे।
सो यस, तो ये अभी यहाँ पे अपना काम कर रही है, इसको करने देते हैं एंड देन इसको हेल्पर पे लगा देंगे और हम दूसरा काम करेंगे। ये अपना काम करती रहेगी यहाँ पे और हम अभी दूसरा भाग के जाते हैं और कुछ देखते हैं फार्म में, अपने फार्म घूमेंगे पहले भाई, काफ़ी बड़ा फार्म है। अच्छा, ये हमारा ट्रैक्टर है मैसी फर्ग्यूसन और ये सोप है यहाँ पे, कितने सारे ट्रैक्टर सब भाई यहाँ पे, लार्ज ट्रैक्टर। एक दिन हम सबसे बड़े वाला ट्रैक्टर लेंगे, देखो ये वाला सबसे अंत में चल, हाँ ये ट्रैक्टर्स लेंगे भाई एक दिन हम, जब सीरीज का जो फिनाले आएगा ना, फिनाले एपिसोड जो मतलब आखिर एपिसोड होंगे उनमें लेंगे। ओ वाह पैक्स भाई, कितना कुछ है भाई, फिर ये यूज, हाँ सेकेंड हैंड व्हीकल हैं ये, हम सस्ते में खरीद सकते हैं इनको, अच्छा ऑप्शन है ये। और ये जो हमारे पास आइटम्स है ये वो हैं, हमारे पास तीन ट्रैक्टर होंगे ना आई थिंक, देखे जरा, हाँ तीन ट्रैक्टर है, दो जॉन डियर के हैं और एक मैसी फर्गुसन। वैसे मेरा फेवरेट तो भाई मैसी फर्गुसन ही है वो भाई, क्योंकि भाई घी खाओ देसी, ट्रैक्टर लाओ मैसी, एंड तो भाई अच्छा लग रहा है भाई ये देखने में। और ये क्या है, वो पानी की टंकी भाई, भाई ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं, आप अगर चाहे तो वीडियो को जो है ना 480p या 720p करके देखना तो बहुत अच्छा लगेगा वो। वाओ ये छोटी सी नहर और रास्ते, अबे ये हेलो एक मिनट, अबे इतने गुस्से में कहाँ जा रहा है भाई मेरे खेत में से, क्या हो गया, हेलो अबे हेलो, ये वर्कर तो नहीं, उसको पैसे नहीं दिए? अरे नहीं यार पैसे तो कट रहे हैं ऊपर देखो। अबे भाई, अरे हो कोई पागल, मेरे क्या लेना, भाग गया तू भाई, जब तुझे नहीं इतना, जब तू इतनी गुस्सा है तो फिर हम क्या करें भाई उसमें, है ना। तो ये हमारा जोन डियर का ट्रैक्टर है, ओ भाई क्या ट्रैक्टर है रे जोन डियर का, हमारा तो अच्छा है वैसे देखने में, जोन डियर का ट्रैक्टर हमारा अच्छा है। हमारे पास एक जैसा तीन खेत है, वाओ, लेकिन काफ़ी छोटे हैं, कोई ना स्टार्टिंग में तो छोटे ही मिलेंगे। और इसका वेट अटैच कर लेते हैं, और पीछे ये क्या है, अच्छा ये बोने की मशीन है, नाइस नाइस, ये खाली पड़ा है खेत तो अभी हमारा। इस ट्रैक्टर को मैं बेच रहा हूँ गाइस, क्यों, क्योंकि बेकार है, मतलब तीन ट्रैक्टर का करना ही क्या है, और वेट भी बेच देते हैं इसका, इनमें से कौन सा है आई थिंक ये है, तो इस वेट को भी बेच देंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है, दो ट्रैक्टर इनफ है, थोड़े से पैसे ही आएंगे उल्टा। और ये देखो 1,87,000 डॉलर्स, तो यूरोज है, सॉरी यूरोज हैं इतने, सोया कोई बात नहीं अभी, क्योंकि भाई तीन ट्रैक्टर क्या करेंगे, इतना तो हमारा फार्म भी बड़ा नहीं है, दो ट्रैक्टर मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। सोया ये तो हमने ले लिया है, और ये क्या है, सोइंग मशीन भाई, सब कुछ छोटे छोटे सामान है, मेरे पास तो कुछ बड़ा है ही नहीं। और ये कार है हमारी, थोड़ा चला कर देखते हैं आगे पीछे, अच्छी लग रही है वैसे, अच्छी यार बेकार है कार भी, बेकार है, जोन डियर की या महिंद्रा की लेनी पड़ेगी कोई सी। हाँ अच्छी मुझे ठीक है, मतलब काम चला हुआ इससे ज़्यादा क्या ही कर सकते हैं एक्सपेक्ट इससे। और ये हमारी अभी फार्म कट रहे हैं, और ये भी मुझे बेचना पड़ेगा भाई, ये किसी काम का नहीं है, हेडर का। ओ वाह स्टोरेज कितना मस्त है, ऊपर भी है, और ये अरे अंडरग्राउंड भी है क्या, जा सकते हैं हम नीचे एक सेकंड, अरे भाई 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 अंडरग्राउंड भी जा सकते हैं हम तो, अरे भाई 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 अंडरग्राउंड भी जा सकते हैं रे। ओ ये मैप है पूरा, और ये देखो FS19 का मैप है भाई, ईस्टर एग और FS19 की फोटो, अरे भाई FS17 का भी मैप है, अरे भाई क्या ईस्टर एग छोड़ा है भाई, बहुत अच्छे जाइंट सॉफ्टवेयर वाला, बहुत अच्छे भाई ईस्टर एग मस्त है। अच्छा ये सब क्या भी नहीं, हम जो है ना ये हमारा जो अंडरग्राउंड स्टोरेज है ये हमारा सामान रखने के काम आएगा, वो वाओ सामान रखने के, ऊपर भी जा सकते हैं बाद में जाएंगे। तो ओवरऑल देखा घूम के तो अच्छा लग रहा है, लाइक अच्छा बनाया है, और अभी तो हमें भी बनाना है आगे, ऐसे थोड़ा ही, ये ट्रैक्टर ट्रैक्टर में बैठते हैं। और ये ट्रॉली यार कौन से वाले, कितना रियलिस्टिक है ना देखो, अटैच डिटैच यार, ये ट्रॉली मुझे लग रहा है वैसे वाली ना हो, ये पीछे मुड़ने में बहुत दिक्कत करती है भाई, बहुत अच्छी, इंटीरियर भी अच्छा है, काफ़ी डिटेलिंग करी है भाई गेम में, ऐसी बात नहीं है। और आपको पता है मैं कितने पसीने में सड़ के अपनी मतलब वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ज़्यादा, फिर भी कोई, अरे खेत में तो, अरे हाँ अरे फसल टूट जाएगी खेत में, अरे हाँ ये वही ट्रॉली है देखो, ये जो है ना वही ट्रॉली है जिस मतलब जो पीछे मुड़ने में दिक्कत करते हैं भाई, ये भी बेच के लेनी पड़ेगी भाई। FS22 FS19 से कितना रियलिस्टिक है आपको पता नहीं लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आप 1080p में देखोगे कुछ देर के लिए वीडियो तो आपको लगेगा, लेकिन जो मैं खेल रहा हूँ भाई कितना रियलिस्टिक है, पहिए देखो एक बार, आए हाय हाय, इसको लेकर चलते हैं एक मिनट रुको, इसे दूसरा काम करवाएंगे कुछ, एक बाद में करेंगे अभी रुक जाओ भाई। ट्रैक्टर की स्पीड कितनी, 42 स्लो है, मतलब ठीक है ट्रैक्टर के हिसाब से तो, लेकिन और भी फास्ट होना चाहिए था, अगले एपिसोड्स में लेंगे हम फास्ट फास्ट ट्रैक्टर्स में। हाँ ये क्या है, अच्छा ये हमारा खेत है, हाँ वो जो हमें ट्रैक्टर बेचना भी वो यहाँ पे खड़ा था, कल्टीवेटर लेके, कल्टीवेटर से वो बीच खेत की जो है जुताई करेंगे, हाँ वेट लगा के भाई, क्योंकि पता नहीं क्या दिक्कत है, वेट से मतलब बैलेंस रहता है ट्रैक्टर का बेसिकली, वो वाली बात है नहीं। और हाँ ये जुड़ गया ट्रैक्टर का हमारा, तो थोड़ी वो जो वॉइस में प्रॉब्लम है ना भाई माफ़ कर देना ठीक है, इतना भी इतना तो कर देना भाई, तुम अगर सपोर्ट करोगे ना तो तुम्हें क्वालिटी बढ़ेगी, पक्का बोल रहा हूँ मैं,
तो ये नीचे कर देंगे और इसको थोड़ा कल्टीवेटिंग करेंगे अपने खेत की। तो कल्टीवेटिंग अच्छी अच्छी वाह अच्छा लग रहा है ना कल्टीवेटिंग करते हुए। और उसका इतना जितने वो काम कर रही है इतने हम इसको यहाँ पर पूरा खेतों निपटा डालते हैं अपने को। तो फटाफट करते हैं फिर खेत को और ये इसके मोड़ लेंगे। तो काफ़ी सही कर रहे हैं। अरे हमारा AI वर्कर, अरे हमारी वो भर गई भाई, भर गई भर गई, ब्लॉक होगी। अच्छा ब्लॉक भाई ना, ट्रैक्टर को एक सेकंड देखने दो। अच्छा ये ट्रैक्टर अड़ा पड़ा है। अबे यार तू ये भी मतलब यहीं अड़ना था क्या? आगे हो आगे हो भाई। ये जो ट्रैक्टर है ना ये हमारे यहाँ पे भी है रियल लाइफ में, जो ये मैं मैस्टी का चला रहा हूँ, बस उसमें कैबिन नहीं है, नहीं तो वरना सेम टू सेम ये 4x4। अच्छा ये काट दिया, रुको इसे भरते हैं अपनी ट्रॉली में एक बार, और ट्रॉली में डालेंगे। रुक जाओ, सीधा सीधा सीधा, हाँ ज़मीन पे ना गिरे बस ये। और अंदर बैठते हैं फिर हार्वेस्टर के एंड पाइप निकालते हैं इसका। हाँ पाइप निकाल लिया और अभी डालते हैं इसके अंदर। अबे नीचे ना गिर भाई, क्या है यार चिट्टू भाई, क्या बदतमीजी है। इसको बंद करो एक सेकंड, क्या है पता नहीं भाई क्या है यार। और अगर आपको किसी रियल लाइफ ट्रैक्टर की आवाज़ आ रही हो पीछे से तो सॉरी यार, मैं क्या करूँ, एकदम सड़क के पास घर है तो मैं क्या करूँ अभी फिर। तो ये रहा, हाँ इसको भरते, अभी नीचे नहीं गिर रहा। वाह कितना रियलिस्टिक लग रहा है ना गाइस देखने में ये, वाह मतलब नाज है नाज हमारे यहाँ तो, अनाज बेसिकली अनाज है ना, साथ गेहूँ गेहूँ सॉरी गेहूँ है ये, गेहूँ अनाज ही बोलते हैं बेसिकली वही है। तो अभी जो हार्वेस्टर है इसको खड़ा करते हैं। यार हार्वेस्टर बहुत बेकार लग रही है सच्ची, दूसरी लेनी पड़ेगी, पर अगले आने वाले एपिसोड्स में लेंगे। अरे 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 ट्रैक्टर को धक्का दे दिया पागल हार्वेस्टर। ये किस कंपनी की है? टॉप लाइनर डेट्सवार। अच्छा डेट्सवार की है, डेट्सवार तो अच्छी कंपनी है, लेकिन ये थोड़ा लो मॉडल है आई थिंक सो। इसका लो मॉडल है तो फिर क्या ही कर सकते हैं भाई। और इसको फटाफट खड़ी करते हैं क्योंकि इसका काम है नहीं। और इस पे कौन रखेगा भाई, छोटा सा तो ये है, इसको तो बेच देंगे। तो मतलब ये तो उनके लिए होता है जो मतलब बड़े हेडर होते हैं, जो मतलब 12 12 15 15 मीटर के, ये तो मुश्किल से 2 3 मीटर का होगा हद से हद। और इसको अंदर ये शेड लगी है, अंदर खड़ी करते हैं भाई। तुम यकीन नहीं मानोगे अपने फार्म को इतना बेहतरीन बना दूंगा ना मैं आने वाले एपिसोड्स में। आप भी कहोगे भाई फार्म हो तो साल्ट गेमर जैसा हो वरना ना हो। तो ये क्या है, हाँ ये अभी इसको ढकते हैं और इसको अभी बेच के आएंगे खेत में, अभी बेच के आएंगे भाई, अभी बेच के आएंगे, मैं बोल रहा हूँ अभी ही बेच के आएंगे। तो हाँ इसको बेच के आएंगे, रुको पहले देखने दो कहाँ पे अच्छी कीमत मिलती है और कहाँ पे नहीं। और उससे पहले भी एक काम करेंगे, रुको कीमत कहाँ से थी इसमें, कीमत कहाँ देखी जाएगी, मतलब प्राइस देखते हैं ना FS19 में तो था, इसमें है कि नहीं है चार स्टैटिक्स, नहीं ऊपर आई थिंक ऊपर है ऊपर है ऊपर है। हाँ ये नहीं, ये भी नहीं है भाई, कहाँ है? अच्छा ये रहा ये रहा ये रहा, मिल गया, नीचे नीचे अबे नीचे, हाँ ये रहा प्राइस। इस तो कहाँ पे वीट है हमारे पास तो, ओ भाव सबसे अच्छा गोल्ड क्रश वेल है, गोल्ड क्रश वेल, गोल्ड क्रश वेल तो FS17 का मैप था भाई, कितना बढ़िया ईस्टर रख दिया है इन्होंने FS वालों ने, वही वाह क्या ईस्टर रख दिया है रे। तो चलते हैं रुको फटाफट लेके। तो मैप में कहाँ है गोल्ड क्रश वैली भाई दावे? ओ अच्छा इतना नीचे है भाई गोल्ड क्रश वैली, तो बहुत नीचे है भाई। तो आओ चलते हैं फटाफट, इसने इसको जो है ना ऑटोमेटिक लगा देते हैं हेल्पर हायर करके, मजदूर लगा के, ताकि अपना काम भी हो जाए और हम अपना बेच के भी आ जाए और मैप भी घूम ले थोड़ा सा। भाई बार बार ग्राफिक्स को मतलब ग्राफिक्स की प्रशंसा करने का मन कर रहा है भाई, सच में बहुत अच्छी हैं ग्राफिक्स। मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये वीडियो एटलीस्ट 360p से तो ऊपर ही देखना, यूट्यूब पर 480 तो लगा ही लेना यार। अगर बेस्ट देखनी हो तो फिर तो 720p और 1080p देख लो, 60 FPS पे है पूरे। तो इसको हेल्पर पे लगा दिया और अब चलते हैं अपना सामान बेचने। तो सामान तो किधर जाना है, हाँ गोल्ड क्रस्ट वैली पे जाना है। मैप ये जो है ना इस बार अच्छा दिया है, गोल भी कर सकते हो, रेक्टेंगल मतलब चकोर भी कर सकते हो, तो सही है फीचर ये। हाँ तो चलते हैं अभी फिर लेके इसको बेचने अपने। और क्या वो रहा, कितना दूर है दिख रहा है आपको ग्रीन ग्रीन सा मारकर, वहीं पे जाना है हमको।
अरे मैं पहुंच तो गया, ट्रैक्टर लोड मांग रहा है भाई चढ़ाई पे। देखो कितनी अच्छी इस बार ना फिजिक्स भी इंप्रूव है गेम में। देखो ट्रैक्टर कितना लोड मतलब लोड देता है चढ़ने में, तो वो रही। अरे ट्रेन भी आ रही है, वाह नाइस। अबे ये तो गेम की बाउंड्री है। अबे मैप खत्म है तो मैं बेचूंगा कहाँ? व्हाट? हेलो एक सेकंड, अबे पटड़ी पे बेचूंगा मैं रेल की? यहाँ तो कुछ है ही नहीं। व्हाट द हेल, इतने मजाक हो रही है। एक सेकंड यार, अबे नहीं जाएगा भाई, गेम की बाउंड्री के बाहर कैसे जाएगा? शिट भाई क्या मजा आ गया भाई डेवलपर्स, ये क्या गंदा बग है, ये बग है कि क्या था ये? तो मतलब टेम बर्बाद था। इसके अलावा कहाँ है अच्छी प्राइजेज? इसके अलावा तो यहाँ है, फिर इसको टैग करते हैं। अबे यार क्या है, इसको टैग करते हैं, फिर अब यहाँ जाना पड़ेगा वापस से। धत तेरी की, कितना भाई डिवेलपर्स, इसको जल्दी फिक्स करो, जल्दी अपडेट दो गेम में भाई। इस तरह तो हमारे पर बंदे पागल बनते रहेंगे जो शुरू शुरू में खेलेंगे। इसका मतलब ये गोल्ड क्रश वैली कुछ नहीं है, ये बग है, या तो ईस्टर आएगा मजाक वाला, या फिर बेकार है। लेकिन अगर ये मजाक था ना तो भाई बहुत गंदा मजाक था, सच में कुछ ज़्यादा ही गंदा मजाक था डिवेलपर्स ये। तो हम जो है ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं वहाँ पर, वोरा सामने टैग जो टैग किया था प्लेस। एटलीस्ट भाई हमारी 15,000 की तो बिक ही जाएगी, 15,000 यूरो की तो बिक ही जाएगी भाई, इससे कम तो क्या ही बिकेगी। रुक जाओ, आए आई दबा के। हाँ कितने की बिकेगी भाई? कम से कम 2,000 क्या? अबे जल्दी आना, क्या है इतना कम? वोट? अबे 57% का, बस इतना सा ही? अरे हाँ हमने डिफ़िकल्टी भी तो हार्ड सेट की है ना, आई मीन क्या बोलते हैं उसको, इकोनॉमी तो नॉर्मल है हमारी, इसलिए बस 2,500 के। भाई बहुत टफ होने वाला है ये, मैं बोल रहा हूँ गाइस आपको, बहुत ही टफ होने वाला है ये। अच्छा इन्होंने काम पूरा भी कर दिया ना इस बच्चे? हेलो, तो अभी इसने काम पूरा कर दिया है अपना, और इसको अभी दूसरे खेत में चलते हैं, यहाँ पर लगाते हैं इससे, दूसरे खेत में काम करवाएंगे। और लेकिन उससे हाँ वो खेत भी साफ़ है, बस यही साफ़ नहीं है जो अभी अभी काटा है ताज़ा ताज़ा, इसमें भी ट्रैक्टर चला देंगे। और मुझे कमेंट करके बता देना कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, और आपको लगता है कुछ कमी है मतलब वीडियो में तो बता दो, वॉइस में मतलब कुछ भी कमी हो वीडियो में ओवरऑल तो कमेंट कर देना कि भाई ये मज़ा नहीं आ रहा, ये बेकार है, इसको इम्प्रूव करो, ठीक है? तो यस हाँ अभी ट्रैक्टर लेके चलते हैं वापस अपना। तो बैक ले बैक ले बैक ले भाई, ट्रैक्टर को बैक ले। देखो भाई ये प्रॉब्लम है इस ट्रेलर की, क्या है यार, मतलब इससे घटिया ट्रेलर नहीं बनेगा तुमसे। ये 4 पहिए वाले ट्रेलर होते हैं जिसमें आगे ही मुड़ने वाला होता है हिस्सा, भाई इतनी बेकार लगती है मुझे, बहुत बेकार, बहुत बेकार लगती है। पहले तो इसको बेचो, $800 का है, बेफादी जगह घेर रहा है हमारी। उड़ाओ इसको बदतमीज कहीं का, और इसको भी उड़ाओ यहाँ से, इतना दिमाग ख़राब कर रही है। नई ट्रेलर लूँगा मैं तो, ट्रेलर्स में जाएंगे और ये वाले ट्रेलर लेंगे। किधर गए ट्रेलर? ये वाली ट्रेलर लेंगे, अच्छी जी। अच्छा पहले मेरे पास ये थी, ये तो ज़्यादा ही छोटी है। और तीसरे नंबर वाली है क्या, क्रैम्पल की, क्या है ये भी अच्छी लग रही है देखने में। और एटलीस्ट इसके पहिए वैसे तो नहीं मुड़ते होंगे ना। सबसे बड़ी तुम्हारा भाई बजट से बाहर है फिर तो, क्या ही कहने। हाँ ये ले सकते हैं हम तो, ये ही लेंगे हम, रेड वाले डबल क्लिक करके ये लेंगे हम। तो ये जो हमने ले लिया बस कलर चेंज करते हैं इसका, रेड आ रही नहीं, ये तो बहुत बेकार लग रहा है भाई, ऑलरेडी सही है। और ये मेन कलर ग्रीन, आई शिट भाई क्या है? नहीं, भाई जो डिफॉल्ट कलर है वही अच्छा है, और नेम प्लेट तो है साल्ट गेमर के नाम की। और बस परचेज करते हैं और चलते हैं इसको अपनी शॉप पे लेने, फुल स्पीड में जाएंगे एकदम एक्सीलेटर दबा के। तो जी हाँ ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले हैं अपनी शॉप पे, और ये रही हमारी शॉप, शॉप के ऊपर एक, अच्छा ये रही शॉप भी काफ़ी अच्छी है ना, एक बार घूमते हैं, रुको अंदर जा पाएंगे क्या शॉप के? हम FS19 में तो जा सकते थे, और अगर किसी ने नहीं खेला ना FS13 यानी कि 13, तो उसमें हम शॉप के अंदर जाके वाहन खरीदते थे, इतना रियलिज्म था। लेकिन पता नहीं भाई इन लोगों ने कहाँ फेंक दिया वो, और 22 में तो बिल्कुल ही उखाड़ के फेंक दिया शॉप का फीचर तगड़ा सा। बस शॉप का मतलब है बस ऐसे ही खरीद लो, ठीक है चलो स्टिल कुछ तो। ये पता नहीं क्यों मुझे FS17 जैसा लगता है, पता नहीं क्यों, कभी कभी देखा तो मैं पर शॉप का जो एरिया है ना सीधा हाईवे के साइड में वो है ना, कभी कभी मतलब भाई मीन से कोई नहीं। चलो इसको बैक लेंगे, बैक हो जाए, इसको लेके चलेंगे फिर यहाँ से।
और ये कम से कम अच्छी रहा है। देखो इसमें दो पहिए हैं और मुड़ने में दिक्कत नहीं करेगी, और उससे ज़्यादा कैपेसिटी है और थोड़ी ही महंगी है बस उससे। देखो क्या मैच कर रही है, रेड कलर का ट्रैक्टर, रेड कलर की ट्रेलर, आए हाय सपोर्ट योर लोकल फार्मर्स, नाइस। क्या कोट लिखा है भाई, क्या कहने हैं जाइंट्स भाई। इस बात तो जाइंट ने पूरी जान लगा दी गेम में। तो ऑलमोस्ट हम पहुँच चुके हैं अपने फार्म पे, फार्म पे फार्म, वैसे फार्म बोल देना, फार्म क्या होता है, फार्म नहीं, फार्म नहीं होता वो। इसको यहाँ पे खड़ी करेंगे साइलो के ऊपर, क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम हम कटाई करेंगे तो यहीं से उठा लेंगे फिर इसको, धीरे से खड़ी करेंगे काफ़ी। हाँ तो खा लिया, कुछ डाला ही नहीं तो भाई मिलेगा कहाँ से फिर, मैं अभी क्या पागलों वाली बातें कर रहा हूँ। और अभी इस क्या करते हैं, रुको कुछ और करते हैं अभी। लार्ज ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर यार ये 78,000 का बिकेगा, ये 77 का बिकेगा। अच्छा, ये अरे जूनडियर का 5 हॉर्स पावर एक्स्ट्रा पावरफुल है, मैं तो मैसी फर्गूसन को सोच रहा था। ओ नहीं, इस पर 5 से क्या ही फ़र्क पड़ता है, बहुत ही थोड़ा वो स्लाइटली डिफरेंस होगा 5 हॉर्स पावर में तो। और अभी एक काम करते हैं, यहाँ पर अपनी जो है बुवाई चालू करते हैं, क्योंकि खेत काट तो दिए भाई, बिना खेत की बुवाई करें हम अमीर कैसे बनेंगे, पैसे कैसे कमाएंगे, और पैसे नहीं कमाएंगे तो हम फिर बड़े फार्मर कैसे बनेंगे। और इस गेम में ना फार्मर के अलावा व्यापारी भी बन सकते हो, जी हाँ आप एक बिजनेसमैन भी बन सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, आप खुद की फैक्ट्री लगाओ, बेकरी चालू करो, बहुत कुछ करो, प्रोडक्शन जिसको बोलते हैं ना प्रोडक्शन चेन, वो सब करेंगे। लेकिन पहले फार्मिंग करके बड़े तो हो ले, और कमाल की बात देखो कच्चा माल तो हम खुद ही बना पाएंगे, गेहूँ हमारे पास, पूरी खेती हम करते हैं भाई, तो खुद की फैक्ट्री से हम कच्चा माल ही बेचेंगे, और मतलब प्रोडक्ट बनाते ये सब करके, तो हर तरीके से बेचेंगे हम सामान को। तो चलते हैं बी दबा के, है ना, बी से ही ऑन होती थी ना। हाँ इसमें देखो आरपीएम भी है, अच्छा फोल्ड कर, अनफोल्ड करना पड़ेगा पहले एक्स दबा के, ठीक है भाई। आरपीएम देखो एक बार आरपीएम, और फसल बोएंगे हम कैनोला, क्योंकि कैनोलों के रेट ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं इस वजह से। तो यहाँ पर बुआई चालू कर हो रही है, और यहाँ पर हाँ हो रही है बुआई, वो टेक्सचर बदलने ही बता रहा है कि यहाँ पर बुआई चालू हो गई है। ओके तो चलते हैं, अब इसको हम खुद ही बोएंगे जहाँ तक उम्मीद है मुझे, चलो इसको ले कर चलते हैं फिर। ट्रैक्टर का धुआं देख रहे हो, ट्रैक्टर का दम निकल रहा है भाई, लेकिन फिर भी उसके हिसाब से ठीक है ये, और लेकिन छोटी है, पर चलो कोई ना, भी स्टार्टिंग है हमारी, पैसे तो नहीं स्टार्टिंग में ही कुछ बड़ा ही चीज़ ले लेंगे हम, वो भी दिक्कत है। अच्छा सा काम होने वाला है, उसको हेल्पर पे लगा दिया, और ये जो है ना इसको खुद ही करते हैं, थोड़ा सा जो काम बचा है ये थोड़ा सा खुद ही करते हैं काम, और उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो ऑलमोस्ट है, ये तो खेत हो गया पूरा, अभी कल्टीवेटिंग का तो सारा काम हो चुका है हमारा, अब बस बुवाई का काम बचा है। मशीन एक है, वो भी छोटी, खेत है 3, तो अभी देखते हैं कैसा कॉम्बिनेशन बनता है हमारा। इसको खड़ा कर देंगे, और ये यहाँ पर ट्रेलर्स में नहीं, क्या जाना था मुझे, हाँ कल्टीवेटर्स, कल्टीवेटर्स किधर गए, अरे कल्टीवेटर्स कहाँ हैं, देखते हैं कौन सा बड़ा कल्टीवेटर कौन सा छोटा कल्टीवेटर है। अच्छा हमारे पास ये है सबसे छोटा वाला, और फिर कितने मीटर्स के हैं, लेकिन भाई इनके लिए पैसे और हॉर्स पावर, ट्रैक्टर की हॉर्स पावर तो चाहिए ना, फिर ट्रैक्टर तो बड़ा ही लेना पड़ेगा ना, तो इससे फिर कोई फ़ायदा है नहीं लेने का। ये तो FS 19 में शुरू में मिलता था, जो ग्रीन वाला है ना, हाँ यही, ये देखो ये मैं शुरू में, इतना भी बड़ा नहीं है भाई ये जितना लग रहा है देखने में। चलो कोई ना, तो हम तो इसको खड़ा करते हैं अभी, और ये हमारा जो है ना ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, मतलब खड़ा होने वाला है ट्रेलर्स को सीधा करके। अभी हमारे पास शेड नहीं है ना, तो फिर आगे आगे जो शेड भी खरीदेंगे और फिर करेंगे यहाँ पर। और इसको जो है ये रहे दो हमारे, ये कितने मीटर की है ये, अच्छा इतने मीटर की है, और ये भी इतने मीटर की है। सो यस, तो अभी चलते हैं देखते हैं क्या करना है अभी आगे हमें। और वो काम कर रहा है वहाँ पे, जो खेत में पत्थर पड़े हैं भाई बीच बीच में नहीं, और प्लीज़ मैं आपको वापस बता रहा हूँ, तो हम पहुँच चुके हैं अपनी शॉप पे। अब मैं आपको बताना भूल गया, मैंने अभी अभी खरीदी जस्ट, सॉरी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया उस सीन को, तो यहाँ पे नई मशीन खरीदी है। अरे 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 तेरी की, ये क्या हो गया भाई, वो द हेल भाई इसके, अरे इतनी भारी है क्या भाई, वेट लगा है ट्रैक्टर के आगे, फिर अभी ये हाल है तुम्हारा। अभी नीचे करी मैंने गाइस काफ़ी देर टाइम लगा के, और फिर जाके ट्रैक्टर जो है स्टेबल हो पाया, लेकिन अभी भी इतना स्टेबल नहीं है जो सही तरह मुड़ पाई है। देखो अभी कहाँ मुड़ रहा हूँ और कहाँ जाके मुड़ रहा है ट्रैक्टर, इतना बुरा हाल है। ए यहाँ मोड़ूंगा, ए नहीं नहीं ठुकमत ठुकमत, अबे ठुक क्यों रहा है भाई, क्यों दूसरे की प्रॉपर्टी का नुकसान कर रहा है। एंड ये देखो, एंड चलो भाई मैं बीच में थोड़ा सा रिकॉर्ड करना भूल गया, पता नहीं क्या हुआ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं हुई बीच में, तो मैं बताना भूल गया कि कैसे खरीदी कैसे आया, कोई ना। तो ये हमने खरीद लिया है,
ये हमारे जो काफ़ी पैसों खरीदे ऐसे तो 93,000 बचे हैं हमारे पास। अरे भाई नहीं 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 भाई नीचे हो ना। हाँ भाई तो बहुत भारी है, इतनी भारी है मुझे लगता है खींचेगी भी नहीं भाई ट्रैक्टर पे, ये तो कुछ ज़्यादा भारी नहीं होगी अब। अरे भाई ये तो अच्छा, इसने काम पूरा कर दिया, रुको इसको अगले खेत में लगा देता हूँ पहले, उसके बाद उसकी समस्या का निपटारा करता हूँ बैक करके। भाई ट्रैक्टर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार वाकई में सच्ची। और प्लीज़ यार एक बार लाइक कर देना और सब्सक्राइब, सॉरी अगर आप लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी, लेकिन यार एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ मैं आपको, अगर आपको वीडियो में कुछ भी गलत दिखे ना तो कमेंट कर देना, मतलब हाँ ये रहा मैं कहाँ आ गया था, सॉरी। तो कुछ करना पड़ेगा भाई, या तो वेट ही दूसरा ख़रीदना पड़ेगा मेरे ख्याल से तो, क्योंकि भाई देखो वेट लगाने के बाद भी पहियों अगले वाले उठ रहे हैं बिना वेट के। हाँ ये जो मैं ये मैंने वेट ले रहा हूँ गाइस, ये वाला ये ग्रीन कलर का, ताकि जॉन डियर पे सूट बैठे, और अभी इसको लेकर चलते हैं, इसको अच्छा अनफोल्ड नहीं होगा। भाई कितने नखरे हैं इस मशीन के यार, कितने नखरे वाली मशीन है। अब इसको अनफोल्ड करो, उसके बाद इसको डिटैच करो, उसके बाद जाके ये चलेगी, क्या नखरे हैं भाई इस मशीन के। तो अभी वो मैंने पुराने वाला बेच दिया, और अब लेकर चलते हैं नए वाला अपना। तो अभी जा रहा हूँ मैं उल्टा शॉप की तरफ, और नया वाला वेट लेके आऊँगा, उसके बाद देखूँगा। तो मैं वेट लेके आ चुका हूँ, और ये मैंने डाल दिया यहाँ पे, तो अभी देखते हैं उठ रही है कि नहीं। अभी नहीं उठ रही गाइस, अभी ठीक है। तो अभी चलते हैं लेकर इसको, क्योंकि अभी नहीं उठ रही, अभी थोड़ा अभी पहले से भी ज़्यादा स्टेबल हो चुका है, बस इसको खींच पाइए खेत में, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बाकी तो सब सही चल रहा है फिर तो। हाँ चल 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 चलते हैं भाई लेके इसको अपना, और क्या। और ये देखूँ एक बार एक्सपेरिमेंट, अरे नहीं भाई बिना वेट के तो इसकी बस की ही नहीं है भाई, कसम से बिना वेट के तो इसके बस की ही नहीं है, वेट जोड़ना पड़ेगा। अरे बिना वेट के तो भाई इसके बस की नहीं भाई, बिना वेट के तो ये गिरा ही जा रहा है, गिरा ही जा रहा है। तो गाइज मैं पसीने में सड़ के वीडियो बना रहा हूँ, प्लीज़ पूरी देख लेना प्लीज़, मुझे वॉच टाइम की सख्त ज़रूरत है प्लीज़। और सब्सक्राइब भी कर देना यार, अगर आपके जितने भी FS लवर फैन सिमुलेटर गेम्स वाले, प्लीज़ उनको शेयर कर देना अपने डिस्कॉर्ड ग्रुप फेसबुक वगैरह में। ओके तो ऑलमोस्ट हम पहुँचने वाले हैं अपने फार्म पे, और इसको लेके जाएंगे अपने खेत पे। तो हम आ चुके हैं अपने खेत में, जो सबसे तीसरे नंबर का है आखिरी जो बोने के लिए बचा है, और उसमें जो है हम बुवाई चालू करते हैं अपनी, और क्या। और ये चल रहा है कि नहीं, नहीं चल रहा भाई, इसका तो दम निकल गया, मुझे लग ही रहा था भाई इसके बस की नहीं है खींचनी। अरे तेरी की भाई, इतना स्लो चलेगा तो क्या करेगा भाई तू, 4-5 घंटे में करेगा भाई खेत की बुवाई। भाई देखो 4x4 ट्रैक्टर है, 175 हॉर्स पावर का, तो नहीं खींच पा रहा इसके लिए, पर तीन चाहिए भी तो 300 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर। भाई मैं भी पागल ही हूँ, मैं भी कैसे उससे खिंचवा रहा हूँ कोई ना चलो रुक जाओ। अरे चल भाई इसके बस की तो नहीं है भाई, नहीं है इसके बस की तो नहीं है। क्या करा जाए फिर, क्या करा जाए। देखो भाई पहिए भी घिसड़ने लगे हैं, देखो 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 एक बार वो देखो कितना मस्त ले जा रहा है मैं सिफर भूषण। इसको हटाओ भाई, इसका तो कुछ जुगाड़ी देखना पड़ेगा हमको। भाई बो भी नहीं रहा, ना खींच रहा ना बुआई कर रहा, इतना ट्रैक्टर छोटा पड़ गया भाई इसके हिसाब से तो। गाइस मैं अभी एक डिसीजन लिया है, इसको होने दो पहले इस खेत को, उसके बाद बताऊंगा आपको। तो ये ऑलमोस्ट जो है खेत हमारा होने ही वाला है, ये 5 मिनट में हुआ, तो मैंने डिसीजन लिया गाइस, क्योंकि मैं जो है ना इस पुराने वाली बोने की मशीन को और दोनों ट्रैक्टर्स को, इन दोनों को बेचने वाला हूँ, और फिर एक नया ट्रैक्टर लूँगा जो कि 300 हॉर्स पावर का होगा। जी हाँ मुझे पता है काफ़ी गंदा डिसीजन होने वाला है, लेकिन स्टिल मैं इसको लेने वाला हूँ डिसीजन को, मैं ये सब बेचने वाला हूँ। पहले तो पुरानी मशीन बेचूंगा, ये बेच दी मैंने, और फिर दोनों ट्रैक्टर बेचूंगा और एक नया ट्रैक्टर लूँगा। हाँ काफ़ी गंदा, लेकिन क्या करूँ भाई, जब मशीन ले ली बड़ी तो फिर ट्रैक्टर भी बड़ा ही चाहिए ना। अब ये कितने की है, ये 300 हॉर्स पावर की है चाहिए मतलब इसको, और स्मॉल ट्रैक्टर से मिलेगा क्या 300 हॉर्स पावर का, सबसे अंत में देखना पड़ेगा। नहीं ये तो नहीं भाई, ये तो ट्रैक्टर लग भी नहीं रहे, ये तो कुछ अलग ही है। कितनी हॉर्स पावर, 98 तो नहीं चाहिए भाई, और कोई 170 नहीं, क्या है भाई ये ट्रैक्टर चाहिए ना, खिलौना थोड़े चाहिए, खिलौना नहीं चाहिए भाई ट्रैक्टर चाहिए। नहीं भाई इसमें तो नहीं मिलेगा, मीडियम में मिलेगा, मीडियम में कितना, 170, 125, 100, 200, 300 चाहिए भाई एटलीस्ट ये। हाँ ही मिल गया भाई, ये MSC फर्गूसन का, ये तो पुराना है, लेकिन जो नया आया ना स्मार्ट, ये 8S वाला, ये चाहिए 8F वाला, और तो फिर डेट्स फार, नहीं ये नहीं भाई, यही ट्रैक्टर चाहिए, पसंद आ गया अब तो हमें यही ट्रैक्टर चाहिए। हाँ इसके थोड़े से कॉन्फ़िगरेशन को मॉडिफाई करेंगे, पहिए छोटे छोटे लगा के, एंड ओवरऑल तो सब ठीक ही है फिर। तो ये मैं बेच रहा हूँ पहले, उसके बाद ख़रीदूंगा, क्योंकि पैसे नहीं है उतने। तो ये बेच दिए, हमारे पास हो चुके हैं काफ़ी सारे पैसे, अभी हम खरीदेंगे वही मीडियम ट्रैक्टर MSC का। और अब हमारे पास बचेगा सिर्फ एक ट्रैक्टर, जी हाँ सिर्फ एक ट्रैक्टर बचेगा हमारे पास,
लेकिन कोई भाई बात नहीं, अब कम से कम एक ट्रैक्टर है लेकिन पावरफुल है, उन दो कमज़ोर से तो अच्छा ही है ना, एटलीस्ट एक है काम करेगा सभी, पावरफुल है, इससे रुपया कमा के फिर इसको बेच के एक और पावरफुल ले लेंगे, है ना, ये देखने में अच्छा भी लग रहा है, ये स्मार्ट लुक में है तो परचेज़ कर लेंगे, काफ़ी कम रुपया बचा हमारे पास, अभी कहाँ गया ये रहा। ओ वाह कितना मस्त लग रहा है भाई साहब, हमारे पास सिर्फ 15,000 बचे हैं, तो आओ बिना टाइम वेस्ट के इसको फटाफट फार्म पे लेके चलते हैं। तो फार्म पे तो ले आया हूँ मैं, और वेट भी जोड़ दे जहाँ पे पड़ा था हमारा, और अब जोड़ दें, देखते हैं इसको चला पाता है कि नहीं चला पाता है, आप बताइए कमेंट करके अभी कि चला पाएगा कि नहीं पाएगा, मुझे लग रहा चला देगा। तो जी हाँ, ये यहाँ पर जो है मैंने हेल्पर पे लगा दिया, और ये आराम से खींच पा रहा है, लोड तो इस पर पड़ रहा है लेकिन उससे तो फार बेटर है, ठीक है। तो ये अभी चलो सो काम करने देते हैं इसका, तो डिस्टर्ब नहीं करते भाई, नहीं तो फिर बीच में कहेगा कि भाई डिस्टर्ब कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। तो ओवरऑल आज का जो हमारा काम था वो फर्स्ट फिनिश ही होने वाला है, तो अगर आपको वीडियो में कोई कम मिस्टेक नज़र आई हो तो कमेंट करना कि भाई ये चीज़ को ठीक करो, अपनी आवाज़ हो, वीडियो कुछ भी हो, तो मैं कर दूंगा इम्प्रूव। और बताओ कि भाई गेम प्ले ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, छोटा तो नहीं है, ठीक है, कमेंट कर देना मुझे जो भी आपके वीडियो से रिलेटेड दिक्कत हो, और भाई सपोर्ट कर देना। तो वाओ देखते हैं ये कब तक फिनिश होगा हमारा वर्क। तो आई थिंक यहाँ पे 31, चलो होने देते हैं, जब तक होगा ठीक है। तो ये अभी आधा खेत तो हमारा जो है ऑलमोस्ट हो चुका है डन काम आज का, और ये खेत भी हो चुका है डन, तो फटाफट जाके इसको जो है अभी फोल्ड करके रख देंगे अपने फार्म पे। अभी हमारे पास भाई ट्रैक्टर कितना मस्त लग रहा है ना, एक बार देख के बताओ, कमेंट में लिख देना मेसी फर्गूसन स्लैश शॉल्ट गेमर, सॉरी शॉल्ट गेमिंग हिंदी, तो फिर मुझे अच्छा लगेगा। अभी आप उसको फटाफट खड़ा करते हैं जहाँ पे हमने कल्टीवेटर खड़ा किया था वहाँ पे, तो बस ये ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर खड़ा होने ही वाला है, और ये हमने कर दिया खड़ा, और ट्रैक्टर को भी खड़ा कर देते हैं अपने मोड़ के उल्टा, क्योंकि अभी हमारा जो आज का काम था फार्मिंग का वो ख़त्म हो चुका है, और अब इसको बैक कर देते हैं। और प्लीज़ मुझे बताना वीडियो में अगर पहली वीडियो ऐसी रही कुछ कमी रही होगी तो प्लीज़ माफ़ कर देना, और कमेंट में बता देना कि ये गलती रही। तो डन आज का काम ख़त्म, आज हमने काफ़ी काम किया, और तो बस आज के लिए इतना ही, कल को हम जो फसल काटेंगे कुछ नई प्रोग्रेस करेंगे, तो बस देखते रहिए सोल्ड गेमिंग हिंदी। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।